वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन वेलकम टू द सेशन जय हिंद वंदे मातरम बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर हु ऑल आर हुआ प्लीज लिव अ मैसेज विभास विभाष दामिनी विनय आयुष्मान अ वेरी वेरी गुड इवनिंग अवॉम वेलकम सबका बहुत बहुत स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स में तो पिछले पिछले पूरे एक हफ्ते का हम uh, करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्चुअल न्यूज है फैक्चुअल न्यूज है सो uh, बिफोर so, प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज डू शेयर द सेशन ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जुड़ जाए uh, मेरी आई होप मेरी आवाज आ रही है लक्ष्मी दिव्यांग जयहिंद ठीक है जी uh, स्वागत है सबका हांजी एम आई लाउड एंड क्लियर फार्मर प्रोटेस्ट पे वीडियो प्लीज रेफर टू द लास्ट वीक वीडियो सिक्सटींथ फेब का वीडियो देख लीजिए उसमें मैंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर पूरा वीडियो बनाया है उसमें जो दस डिमांड्स हैं फार्मर प्रोटेस्ट की उसके बारे में डिस्कस किया है ठीक है पूरा हमने जो है उसके बारे में डिस्कस किया है दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स और फार्मर इश्यूज लास्ट वीक वाली जो वीडियो है सिक्सटींथ फेब की उस पर हमने डिस्कस किया है ठीक है जी चलिए शुरुआत करते हैं हिंद सुदीप्ता अमन यशिका सो दीज आर द सो so, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की उन सबका स्वागत है उन सबके लिए सेशन है अदरवाइज ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यू आर मोस्ट वेलकम दिस इज मी संदीप बंसल वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टीम निष्ठा अंकिता सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन रिगिंग इलेक्शन इन पाकिस्तान आई हैव ठीक है आज हम उसके बारे में भी चेक कर लेंगे मतलब वैसे हम न्यूज लेकर आए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे सो वी हैव एस इज बी बैच गोइंग ऑन ठीक है लाइक एट इलेवन थर्टी द स्टूडेंट्स हु हैव स्टूडेंट द एग्जामिनेशन टीम निष्ठा एंड वी ऑलरेडी हैव द एपीएफ एंड सी डी एस बैच गोइंग ऑन जिसमें हमने काफी डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है एंड चलो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट uh, पहली न्यूज है इंडिया ग्रीस एम टू डबल द ट्रेड ठीक है जी यहां पर इंडिया और ग्रीस ने यह कहा है कि हम जो है अपना ट्रेड डबल करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट देखिए ग्रीस की अगर हम बात करें इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द इन द यूरोप ठीक है ग्रीस सिविलाइजेशन ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत फेमस बट ऑफ लेट पिछले कुछ सालों से ग्रीस की जो इकॉनमी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है ग्रीस जो है कही कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ पार्टनर इंडिया जो है उसके साथ डील करना चाहता है एंड डेफिनेटली इंडिया भी चाहता है कि एक ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश हो सो so यहां पर टारगेट जो रखा गया है फोर बिलियन डॉलर क्या बाय ट्वेंटी थर्टी अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई जब ग्रीस के अध्यक्ष भारत में आए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर हुई है वो हुई है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसेंटली uh, जो जी ट्वेंटी जिसके बाद अब जी ट्वेंटी वन हो चुका है अफ्रीकन यूनियन के आने के बाद उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन uh, हुई थी दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर अच्छा अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये ये जो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये आई एम ई सी क्या है फुल फॉर्म क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका काउंटर इसको कहा जा रहा है और दूसरा एक अगर आपको याद हो यूएस एक प्रोग्राम लेकर आया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बी थ्री डब्ल्यू बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ठीक है अब ये जो चाइना का पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है पुश है स्पेशली ऑफ uh, uh, शी जिनपिंग का uh, उसमें जिसमें कि वो सीधा सीधा चाइना को कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू द सेंट्रल एशिया यूरोप ठीक है वेस्ट एशिया जिसमें कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आता है अब इसमें जो है इंडिया चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करता हुआ जो है वेस्ट एशिया और अब रिसेंटली अगर आप देखेंगे यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस काफी अच्छे हुए हैं अब इंडिया इसी चीज को काउंटर करना चाहता है एंड कनेक्टिंग थ्रू इजराइल ऑल्सो देखो इसमें ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक तो इंडिया ठीक है काउंटर कर रहा है चाइना को और दूसरा यह था कि यूए सऊदी अरेबिया और इजराइल जो कि आइडियोलॉजिकली बहुत ओपोजिट है मतलब लाइक लिटरली ओपोजिट है वो साथ में आएंगे और यहां पर आप फर्दर उसको यूरोप के साथ कनेक्ट करोगे तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था और जब आपका रिसेंटली जो इसराइल हमास कंफ्लिक्ट शुरू हुआ अक्टूबर में उसके बाद यह कहा जा रहा था कि यह ठंडे बस्ते में जा चुका है खैर अभी भी ये कह तो रहे हैं कि हम इसको इस पे हम अड़िग हैं और इस पे हम इसको आगे लेके जाएंगे हाउ दे विल डू इट क्योंकि इसराइल को लेकर जो सेंटिमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और कोई भी देश इस तरीके का रिस्क ले पाएगा या नहीं कि वो इसराइल के साथ ट्रेड रिलेशन बनाए क्योंकि अभी तो हम ये न्यूज देख रहे हैं कि किस तरीके से हुदी जो रेबल्स हैं हुती रेबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं रेड सी पे अटैक कर रहे हैं यूके और यूएस के शिप्स जो हैं। और एयरक्राफ्ट जो है यमन में हमला कर रहे हैं तो ये सारी चीजें साथ में चल रही हैं सो इट इज मतलब अभी तक नजर नहीं आ रहा कि कैसे होगा बट अगर ये होता है सक्सेसफुल तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है ही ये सीधा सीधा चाइना को भी काउंटर करेगा वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जी चलिए तो ये हमने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में पढ़ा मल्टाबिकॉम्स हंड्रेड ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बनाया गया था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंड फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन मैक्रोन का काफी बड़ा योगदान था आइडिया वॉर्स के जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनको साधा जाए जो सोलर रिच कंट्री है या सिंपली कहें जहां पर सोलर डेंसिटी ज्यादा है पर यूनिट एरिया में सोलर एनर्जी ज्यादा है उन कंट्रीज को साथ में आना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक पुश मिले ठीक है इन्वेस्टमेंट का भी पुश मिले और सारे देश साथ में आए अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है हमारे प्यारे भारत गुरुग्राम गुड़गांव में हरियाणा में और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिसेंटली भारत के बेहस्ट पर भारत के रिक्वेस्ट पर इसमें सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज नहीं है इसमें जो नॉन ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब जो ट्रॉपिकल कंट्रीज के बियॉन्ड है उन कंट्रीज को भी शामिल किया गया है और धीरे धीरे ये कह लीजिए बड़, बड़ा होता जा रहा है इसमें रिसेंट एड हुआ है माल्टा सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हंड्रेड कंट्री है इंडिया और फ्रांस के द्वारा दो में बनाया गया था बहुत इंपॉर्टेंट इसमें अगर हम बात करें इंडिया मतलब कितना सक्सेसफुल रहा है अभी तक ये अभी तक आप ये मान के चलिए जो टारगेट रखा गया है एक हजार गीगा वॉट का ठीक है एक हजार गीगा वॉट का टारगेट रखा गया है ह्यूज तो टारगेट ठीक है ट्वेंटी थर्टी पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी से ठीक है और इसमें एक ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इस चीज को अचीव करने के लिए और इंडिया ने यह कहा है कि हमने ऑलरेडी ट्वेंटी गीगावॉट मतलब बीस हजार मेगावॉट खैर इससे काफी ज्यादा हमने अचीव कर लिया है अभी आ, हमारा जो टारगेट है आ, वो जो है 50 परसेंट एनर्जी जो है नेवल एनर्जी से लाने का 2030 तक का टारगेट है ठीक है जो पंचामृत हमने डिस्कस किए थे कॉप ट्वेंटी में नेक्स्ट है ग्रीस जो है आ, पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री होने जा रहा है टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज तो आ, ये जो है एक एल जी के राइट्स को लेकर जो है वहां पर जो एक मुहिम चली हुई है यूरोप में उसमें उस कड़ी में इसको देखा जा रहा है ग्रीस जो कि मेजर ग्रीस के जो लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वहां पर इस तरीके का डिसीजन लेना काफी जो है फॉरवर्ड लुकिंग देखा जा रहा है इसको सो so, नीदरलैंड जो है पहला देश बना था 2001 में वे बैक इन 2001 थाउजेंड वन जहां पर अलाउ किया गया था यहां पर अगर आप दुनिया के मैप में देखेंगे तो दुनिया के मैप में Uh, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज और यूरोप की कंट्रीज छोटी छोटी कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया यही वो देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है रिसेंटली भारत में भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था काफी ज्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे थे काफी ज्यादा उस पर डिस्कशन हुआ न्यूज पेपर में मीडिया में बट अभी तक वो अलाउ नहीं किया गया है uh, जॉर्डन भी है शायद दिव्यांक अच्छा इं, आ, इंडिया मिडिल जॉर्डन हाँ, भी है, है? Okay. है बहुत बहुत, बहुत क्योंकि इस क्वाडिलेटरल भारत भी शामिल है ठीक है जी आ, यहां पर यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने क्वाड बिल पास किया है अब इसका मतलब क्या है क्वाड बिल पास करने का सबसे पहले तो क्वारिलेटरल जो है क्वाड्रीलेटरल डायलॉग सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड ग्रुप जिसमें चार देश आते हैं इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया और जापान और ये चारों देश जो हैं एक साथ में आए हैं ये मतलब आईडिया जो मूट किया था सबसे पहले शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है जिनका पीछे असेसिनेशन भी हुआ लास्ट ईयर ही उनके द्वारा ये आईडिया मूट किया गया था और पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया 2007 में फिर चाइना के प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ किया फिर 2010 में फिर जो है ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुपिंग में शामिल हुआ तो अब ये देश जो है एक फॉर्मल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ रहा है अभी तक जब भी इन लीडर से पूछा जाता था या यहां के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाता था कि क्या है ये क्वाड ग्रुपिंग तो ये कहा जाता था कि ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जी ठीक है कुछ फॉर्मल नहीं है अब इसको फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने आ, इसको एक बिल लेकर आए हैं और ये दूसरी चीज इस इस चीज को भी दर्शाता है कि यूएस इस कॉर्डिनेटरल ग्रुप को क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सो क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप जिसमें कि एक क्लोजर कॉपरेशन होगी यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान और इंडिया के बीच में ऑब्जेक्टिव क्या है टू सबमिट कांग्रेस विद इन वन एटी डेज के किस तरीके से हम स्ट्रेटी करेंगे इंगेजमेंट एंड कॉपरेशन विद द क्वाड और साठ दिनों के अंदर अंदर किस तरीके से हम नेगोसिएशन करें क्लोजर कॉपरेशन करें तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है आइडिया हेयर इज टू काउंटर चाइना ठीक है अगेन सीधा सीधा शब्दों में एक लाइन में इसका अर्थ निकालें तो टू काउंटर चाइना ठीक है जिसमें कि वो कहते हैं कि जी रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए ठीक है खासकर जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसमें चाइना लिटरली दादागिरी कर रहा है साउथ चाइना सी में उसको काउंटर करने के लिए और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये किया जाए अब अगर आप चाइनीज की मीडिया चाइनीज मीडिया को पढ़ोगे ना अगर ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का आ, सरकारी अखबार कहा जाता है उसकी अगर आप बात पढ़ोगे तो वो ये कहता है कि इंडिया जो है यूएस के द्वारा बिछाया गया जो एंटी चाइना कैंपेन है या जो जाल है उसमें फंस गया है और कहीं ना कहीं जो है आ, मतलब ये लड़ाने की कोशिश है जो कि यूएस की हमेशा से रही है दो नेबरिंग बड़ी पावर्स को आपस में लड़ाया जाए तो इंडिया को जो है कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है अब देखो ये बात में कुछ तर्क हो सकता है बट जो चाइना की भी एक्टिविटीज हैं पिछले कुछ सालों में वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही हैं द लेटेस्ट वन वाज 2020 गलवान वैली प्रोटेस्ट जो कि हुआ और बार बार जो वो मैप इशू किए जाते हैं बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर आप कह सकते हैं कि वो जो थ्रेट है जो परसीव्ड थ्रेट है बाय चाइना वो ऐसा नहीं है कि वो बेसलेस है ठीक है सो दैट हैज सम मीनिंग सो दैट इज हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट ओशन सर्कुलेशन मीनिंग नियरिंग डिस्टेटिंग टिपिंग पॉइंट स्टडी फाइंड बहुत इंपॉर्टेंट देखिए ये जोग्राफी का टॉपिक है जोग्राफी के टॉपिक में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं ओशन करेंट्स का ठीक है ओशन करेंट्स में जिसमें अटलांटिक ओशन में हम गल्फ स्ट्रीम ठीक है नॉर्वेजियन करंट कैनरी करंट ये सारी चीजें पढ़ते हैं आ, बहुत इंपॉर्टेंट अब ये इसको कहा जाता है इसका नाम है अटलांटिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन सिंपली एमोक कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में इसको एमोक कहा जाता है अब ये एमॉक इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए ये एमोक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अपने आप में पूरी दुनिया में ये जो ओशन करेंट्स हैं ये जो सर्कुलेशन है पूरी दुनिया में ओशन जो पानी है उसको मूव करता है इसकी वजह से ओशन टेम्परेचर जो है वो मूव करते हैं लाइक like, सिंपली अगर एग्जाम्पल लें ये इक्वेटर है इक्वेटर से पानी पहले जो है सॉरी यहां पर जो है पानी पहले आपका आता है ब्राजील कोस्ट पे ब्राजील कोस्ट पे पानी जो है डिवाइड होता है ठीक है फिर वो एंटलीज करंट फिर गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम से फिर वो होता हुआ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्वेजियन करंट फिर यहां तक पहुंचता पहुंचता वो ठंडा हो जाता है फिर फिर वो सबसाइड करता है पानी ठंडा पानी डेंस पानी है नीचे की तरफ जाता है फिर वो पानी घूम के जो है कोल्ड करंट की फॉर्म में यहां से लेब्रोडोर करंट जो है फिर वो पानी आता है यहां पर कैनरी करंट की फॉर्म में ठीक है दिस इज हाउ द सर्कुलेशन इज अब हो क्या रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो पानी था मान लीजिए ये पानी जो यहां पर है आक्टिक सर्कल के पास ये गर्म हो रहा है ये सबसाइड नहीं हो पा रहा तो इससे क्या दिक्कत है नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा हाँ जी सवाल यह उठता है ठीक है मतलब बढ़ भी रहा है ये पानी जा ही क्यों रहा था ठीक है इसके सिंपल कारण हैं दो तीन का अगर कारण देखें तो डिफरेंशियल हीटिंग इक्वेटर जो है सरप्लस हीट है वहां पर यहां पर जो है हीट डेफिशिएंट है बिकॉज़ ऑफ दैट वाटर मूव्स क्योंकि ये पानी एक्सपैंड करता है वो पानी ठंडा है नीचे की तरफ आता है दूसरा रीजन इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ ठीक है ये कुछ कारण है बट अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो करंट अगर स्टॉप करेगा तो जो चर्निंग हो रही है पानी की वो नहीं हो पाएगी इस चर्निंग से क्या होता है इस चर्निंग से दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस चर्निंग से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ओशन के न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें मतलब आप ऐसे समझिए कि जो डेप्थ में है न्यूट्रिएंट्स वो सरफेस पे आते हैं सरफेस वाले नीचे की तरफ जाते हैं इससे जो इक्वेटिक लाइफ है जो मेरीन लाइफ है वो सर्वाइव करती है उसको काफी मदद मिलती है अगर ऐसा होगा तो इससे जो है एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा लार्ज स्केल नुकसान होगा और ये टेम्परेचर उस लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर मतलब ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर जो है उस लेवल पे पहुंचता जा रहा है जिससे कि ये चर्निंग ऑफ वाटर नहीं होगा ये बहुत गंभीर समस्या है सुनने में लग रहा होगा बहुत लोगों को कि ठीक है अटलांटिक ओशन में हो रहा है तो इससे हमें क्या फर्क अगेन ये चीज हमने एलनीनो या के केस में भी देखा है कि किस तरीके से जो ओशन करेंट्स इन द पैसेफिक ओशन इज अफेक्टिंग आर इंडियन मॉनसून सो दीज ओशन करंट नॉट जस्ट इंफ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन दैट इंफ्लुएंस इज द ग्लोबल क्लाइमेट सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल वार्मिंग का एक इंपैक्ट आप इसको देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये ये जो पानी है किस तरीके से यहां पर सबसाइड कर रहा है फिर ये कैनरी करंट के रूप में यहां पर आता है ठीक है यहां से लेबराडोर करंट है ठीक okay. है ओके नेक्स्ट है एक नया केस आया है एक प्लेग जो है फैला कॉमनली नोन एज द ब्लैक डेथ आइडेंटिफाई हुआ है यूएस में और ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है बॉडी uh, के अंदर जाकर जो लिम्फ नोड्स हैं ठीक है लिम्फ नोड्स में जाकर ये सरवाइव uh, करता है ग्रो करता है ठीक है इसमें फीवर हेड वीकनेस पेनफुल सोलन लिफ नोड्स ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं यूजली ये किसकी वजह से होता है इन्फेक्टेड फ्ली के काटने से ही आपको इस तरीके से दिखाई देता है देखिए दुनिया भर में जो भी बीमारियां हैं प्रॉब्लम क्या है वेलकम uh, एवरी जो अभी जुड़ रहे हैं Uh, दुनिया भर की जो बीमारियां हैं वो शुरुआती दौर पर एक पर्टिकुलर रीजन में हैं और वो फैल बहुत जल्दी से रही हैं दैट हैज़ बिकम अ वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न ठीक है concern, पूरी दुनिया में जो uh, जब कोविड के बाद एक मतलब खबर आती है कि ये जो पेंडेमिक सौ साल बाद आया था इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है ठीक है दैट इज द अगेन कॉज ऑफ कंसर्न आई एम नॉट सेइंग दिस हैज बिकम अ पेंडेमिक जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट जब भी कोई इस तरीके की न्यूज आती है तो डब्ल्यू या बहुत सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत खास फोकस उस पर हो जाता है नेक्स्ट है थाउजेंड ईयर ओल्ड नेकेड मैन फेस्टिवल हेल्ड फॉर द लास्ट टाइम इन जापान एक बहुत ही विचित्र काइंड ऑफ कल्चरल फेस्टिवल हजार साल से जो है जापान में हो रहा था ठीक है जिसमें कि

इंडिया नेशनल न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज एथ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग टू बी हेल्ड इन पुणे सो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2024 अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मतलब एक सिंपल डायलॉग हो रहा है एक बातचीत हो रही है और ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पुणे इंटरनेशनल सेंटर कहां पर होगा उनतीस फरवरी से लेकर दो मार्च तक देखिए रिसेंटली एक चीज हुई है इंडिया में जो पूरी दुनिया में इकोनमी कैसे चलेगी सिक्योरिटी uh, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा या सिक्योरिटी को लेकर कैसे लोग एक साथ आएंगे तो ये जो थिंक टैंक है ना ये बहुत ज्यादा यूरोप सेंट्रिक या नॉर्थ अमेरिका सेंट्रिक था इसीलिए जो भी मान लीजिए जो भी बातें हो रही थी मीडिया में ग्लोबल मीडिया में वो कौन डिसाइड कर रहा है ये इंटेलिजेंसिया डिसाइड कर रहा है जो पढ़े लिखे लोग जो बैठ के बातचीत कर रहे हैं डायलॉग कर रहे हैं अब ये जो, जो डायलॉग हैं ये सिर्फ यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में नहीं हो रहे हैं ये भारत में भी होने लगे हैं अब ये इंपॉर्टेंस कह सकते हैं कि पूरी जियो में ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो भारत की से बढ़ रही है रिसेंट टाइम्स में उसका एक इंडिकेशन है कि नरेटिव जो सेट किया जा रहा है जियो में वो भी हम सेट कर रहे हैं दो नॉट एक्जैक्टली कि पूरी दुनिया उसको मान रही है बट कहीं ना कहीं वो अपना व्यू पॉइंट रखना जो कि शायद पहले भारत नहीं करता था वो अब जो है करने लगा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो so, फोकस क्या है जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरिया ऑफ फ्लक्स ठीक है an era flux, मतलब, मतलब बहुत ज्यादा चैनलिंग चल रही है एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर है <coughs> एक तरफ आपका इसराइल हमास वॉर है एक तरफ चाइना का प्रसीव्ड थ्रेट है ऑन ताइवान ये सारी चीजों के बावजूद किस तरीके से ए है रोबोटिक्स है इन सब के चलते क्या चैलेंजेस हैं इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए तो इसमें जो है 46 सिक्स स्पीकर होंगे इलेवन कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन 12 सेशन ओवर थ्री डेज सो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग अरुणाचल प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य जिसमें हंड्रेड हर घर जल स्कीम कंप्लीट हो जाएगी मतलब सौ घरों में ये पानी पहुंच जाएगा नल uh, से जल ठीक है जी अंडर द जल जीवन मिशन सो स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड टेंथ इन द कंट्री दसवां राज्य बन गया है अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये बता दो कि इंडिया में पहला राज्य कौन सा बना था जिसमें कि ये ओवरऑल uh, पहला राज्य कौन सा था जिसमें Uh, हर घर जल स्कीम पहुंची है सो सेचुरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम सो इट वॉज लॉन्च इन ट्वेंटी नाइनटीन ताकि हर घर तक नल से जल पहुंच सके ठीक है टैप वॉटर पहुंच सके ओके फर्स्ट एवर प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स फर्स्ट एवर स्किल इंडिया सेंटर इनोग्रेट हुआ है संबलपुर उड़ीसा में uh, बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट इनोगरल स्किल इंडिया सेंटर इन संबलपुर ओडिशा जिसमें 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स गोवा वेरी गुड सबसे पहले वेरी गुड्स गोवा ट्वेल्व हंड्रेड स्टूडेंट्स थ्रू दिस इनिशियटिव अपग्रेडिंग सेट अलाइनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज और यहां पर कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट होगा द इम्पोर्टेंट थिंग इज एक इनोगरल स्किल सेंटर जो है ओडिशा में खोला गया है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी लाइक कटिंग एज टेक्नोलॉजीज मॉडर्न फैसिलिटीज वर्क बेस्ड लर्निंग टू एम्पावर यूथ ये सारी चीजें यहां पर की जाएंगी नेक्स्ट है राइजीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस 2024 वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए ये अगेन जो अभी हमने डिस्कस किया कि जियो इकोनॉमिक्स पर या जो है इकोनॉमिक्स पर हम एक डायलॉग कर रहे हैं वैसे ही हम रिसेंटली राइजीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस हमने शुरू किया है ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने ही शुरू किया है ये शुरू किया गया था आपका 2016 में ठीक है ये 2016 में शुरू किया गया था जिसमें कि जियो पॉलिटिक्स पर और जियो इकोनॉमिक्स पर बातचीत होती है ये कौन कंडक्ट करता है ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलकर जो है इस कॉन्फ्रेंस को इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज करते हैं यह हर साल दिल्ली में होता है 2016 के बाद ठीक है जी <coughs> इस बार ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर जो है यहां पर आए हुए थे चीफ गेस्ट के रूप में जियो और जियो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा हुई तो अब इससे अगेन हो क्या रहा है इससे यह हो रहा है कि दुनिया भर की जियो पॉलिटिक्स की डिस्कशन जिसमें कि भारत पार्ट ही नहीं था ठीक है ना आ, क्योंकि हम अपने नेबर्स में ही उलझे हुए थे वो कहीं ना कहीं दुनिया भर में उस चीज को इंडिया जो है सेट कर रहा है ठीक है उस नरेटिव को सेट करने की कोशिश जो है भारत के द्वारा की जा रही है तो इसका जो थीम था चतुरंग ठीक है चतुरंग मतलब चार रंग सो कंफ्लिक्ट कंटेस्ट कॉपरेट एंड क्रिएट सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब इसमें देखो पांच चीजों पर चर्चा हो रही है जो दुनिया की अगर आप देखेंगे मतलब जितने भी इश्यूज हैं इन पांच मेन मुद्दों में आ गए कौन कौन से हैं सॉरी 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 सिक्स हैं आई एम रियली टेक टेक फ्रंटियर्स फ्रंटियर्स एंड रियलिटीज में जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अभी रिसेंटली एग्जाम्पल लेता हूं ट्विटर को भारत सरकार ने कहा कि फार्मर प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे प्रोफाइल हैं जो कि मतलब लाइक एंटी इंडिया कैंपेन वहां पर रन कर रहे हैं और भड़का रहे हैं इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा फ्लेयर अप कर रहे हैं तो उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए ट्विटर ने मना कर दिया ट्विटर ने कहा कि नहीं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अब ये एक बड़ा अच्छा वो है कि स्टैंडर्ड डायलॉग है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन द आइडिया हेयर इज के जितने ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी रेगुलेशन भारत में नहीं है सो हाउ टू कंट्रोल देम ठीक है इट्स जस्ट वन ऑफ द इशू अब कहां पर लाइन डिसाइड की जाएगी

दो देशों के बीच में वॉर चल रही है ठीक है रशिया यूक्रेन इसराइल और हमास अब हमास नॉट अ नेशन बट स्टिल ठीक है एक्टिंग लाइक अ नेशन देन डीकॉलोनाइजिंग मल्टीलेटरलिज्मीट्यूशन एंड इंक्ल्यूजन रिसेंट एक और खबर आई है कि इंडिया का जो एनुअल बजट था टू यूनाइटेड नेशन वो इस बजट सेशन में जो एक फरवरी को बजट आया उसमें हमने यूएन के बजट को हाफ कर दिया है हाफ से भी कम कर दिया है और इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि इंडिया मैसेज देना चाह रहा है यूनाइटेड नेशंस को कि भाई साहब ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेजेंट uh, सेटअप है ये पचहत्तर साल पहले को दर्शाता है अस्सी साल पहले को दर्शाता है आज के करंट ग्लोबल ऑर्डर को नहीं दर्शाता है सो इट नीड्स रिफॉर्म्स तो ये भारत बहुत uh, समय से ये कह रहा है कि ये जितने भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है वर्ल्ड बैंक का हेड है वो हमेशा से अमेरिकन रहा है जब से वर्ल्ड बैंक बना है 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस उसके बाद अमेरिकन रहा है अभी हो सकता है फिर आप कहेंगे जी अजय जी हैं वर्ल्ड बैंक के चीफ ही इज ऑल्सो अमेरिकन सिटीजन दो इंडियन अमेरिकन सिटीजन बट ही इज अमेरिकन सिटीजन सिमिलरली आई का चीफ पिछले अस्सी सालों में यूरोपियन सिटीजन रहा है नो नॉन यूरोपियन हैज बिकम द चीफ सो so, सीधा सीधा डोमिनेंस है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ठीक है तो यहां पर उसको डीकोलोनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट 2030 एजेंडा पीपल एंड प्रोग्रेस 2030 के बाद क्या मतलब बेशक वो क्लाइमेट चेंज है बाकी चीजों को लेकर इस डेकेड के बाद और देन डिफेंडिंग डेमोक्रेसी सोसाइटी एंड सॉबरेनिटी ऑब्वियसली समाज को सॉबरेनिटीज को बचाना ताकि छोटे देश भी अपनी बात को रख सके तो ये मेन मुद्दे हैं पूरी दुनिया में तो ये इसका नरेटिव भारत में सेट हो रहा है या कह लीजिए भारत भी अपना व्यू पॉइंट रख रहा है भारत का थिंक टैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब ये जो राइजीना डायलॉग है अगर आप देखेंगे ये जो है आपका सिंगापुर में होता है शांगरीला डायलॉग बहुत फेमस ठीक है सिंगापुर में होता है शांगरीला डायलॉग उसी की तर्ज पर ये हमने शुरू किया है राइजीना हिल बेसिकली जहां पर प्रेसिडेंट हाउस है उस जगह से ये राइजीना डायलॉग हमने शुरू किया है बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है है हर साल दिल्ली में होता है, चिंज, 2016 और क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु बैन सेल ऑफ कॉटन कैंडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैंसर कॉजिंग केमिकल देखिए बचपन में आई एम होपिंग के आप सबने कहीं ना कहीं ये कंज्यूम किया होगा विदाउट नोइंग इसमें एक ऐसा केमिकल है जो बहुत भयंकर है ह्यूमन लाइफ के लिए कैंसर कॉजिंग है सो इट्स एन अवेयरनेस आपके घर में और जो आपके छोटे ब्रदर सिस्टर्स जो भी होंगे तो प्लीज उनको बताइए माइन बी ठीक है प्रेजेंस ऑफ माइन बी जो कि हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड इट कैन लीड टू कैंसर पुडुचेरी ने इसको पहले बैन कर दिया है और यहां पर जो है रोडामाइन बी ऑलरेडी एज पर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट ये जो है जितनी भी पब्लिक सेरेमोनी अच्छा, बहुत अच्छी बात है अगर आपने नहीं खाया बट ये बचपन में काफी जो मतलब जो कहते ना रोड साइड ठेला टाइप है उनमें बहुत मिलता था तो ये बट इट्स वेरी वेरी हार्मुल ठीक है प्लीज रोडामाइंड डाई तो ये ब्राइट पिंक कलरेशन यहां पर देता है कलर देता है और ये प्रिंटिंग डाइंग इन टेक्सटाइल पेपर पेंट्स, लेदर में यूज होता है बट इट इज शुड नॉट बी कंज्यूम्ड एट ऑल ठीक है अच्छा कॉटन कैंडी बेचने वालों का बिजनेस खत्म होगा पर जो हेल्थ है हेल्थ तो वो कुछ और बेचे जो हेल्दी चीज है कंपैरेटिव मतलब उसका नुकसान नहीं है अब बच्चा छोटा बच्चा इस uh, न नॉट से ड्रग्स बेचने वाले जो है उससे ड्रग्स बेचने वालों का जो इंप्लॉयमेंट है वो खत्म हो रहा है ठीक है uh, शराब बेचने वालों का इंप्लॉयमेंट खत्म हो रहा है या फिर सिगरेट बेचने वालों का ठीक है ना तो यू हैव बेटर ऑल्टरनेटिव टू सेल यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन पब्लिक हेल्थ बाई सेस से इंप्लायमेंट चला जाएगा दैट मीन्स एवरीथिंग शुड भी लीगलाइज और एवरीथिंग शुड भी प्रमोटेड है ना तो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो बट डोंट गिव दिस आर्ग्यूमेंट ना आपसे पूछा गया आप कहोगे कि नहीं नहीं जी तो मतलब चीज वो हो जाएगा ठीक है सो सी ए पी एफ में आर्ग्यूमेंट राइटिंग पूछा जाता है सो डोंट गिव दिस आर्ग्यूमेंट कैसे एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा ठीक है नंबर मिलने के बजाय कट जाएंगे ओके okay, नेक्स्ट चलते हैं आगे मिस्टीरियस एथ सेंचुरी कोत्रावाइज कल्चर अन इन तमिलनाडु सो बहुत इंपॉर्टेंट दे कैन हाँ बिल्कुल नेचुरल कर और चीजें यूज कर सकते हैं मतलब ठीक है ना चलो आगे चलते हैं सो so, नेक्स्ट है आपका पेट इन तमिलनाडु ठीक है वहां पर एट्थ सेंचुरी का जस्ट थिंक ऑफ इट एथ सेंचुरी वी आर लिविंग इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सो तेरह चौदह सौ साल पहले का जो है वहां पर आपको स्कल्पचर मिला है जो कि आपका है यस कोत्री तमिल गॉडेस ऑफ वॉर एंड विक्ट्री बेसिकली इसको जो है पैरल कहा जाता है माता पार्वती के ठीक है एंड दिस इज पल्लवा पीरियड अराउंड फोर्थ टू नाइन्थ सेंचुरी कॉमन एरा तमिल रीजन ऑफ साउथ इंडिया और ये जो है विद एट हैंड्स ठीक है hands, जी एंड शी इज द मदर गॉडेस गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एग्रीकल्चर हंटर्स मदर ऑफ तमिल गॉड मुर्गुन ठीक है मुर्गुन इज बेसिकली कार्तिक एनी बड़ी जो नॉर्थ इंडिया में है दे मस्ट हैर्ड अबाउट कार्तिके सो कार्तिके को जो है अगर आप साउथ में जाते हैं तो गॉड मुर्गुन कहा जाता है ठीक है सो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर अगेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और क्यों हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स इट हैज बीन शोन के तमिलनाडु जो है जो ये जो कल्चर है हिंदू कल्चर है या जो भी सनातन कल्चर है दैट इज मेनली नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में नहीं था तो ये उस समय के स्कल्पचर्स का मिलना दैट शोज के लिंकेजेस उस समय के हैं ठीक है शुड नॉट बी काइंड ऑफ दैट दैट हैज बीन गोइंग ऑन इज रॉन्ग ये एंशियंट टाइम्स में हम उस चीज को देखते हैं एंशियंट एंड एंशियर आर लॉर्ड ऑफ एविडेंसेज विच शोज द कनेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ जो डिवाइड एक आर्टिफिशियल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ए आई इंटीग्रेशन इन ई जागृति पोर्टल ई uh, e जागृति पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जिसमें बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको लॉन्च मतलब इंटीग्रेट किया जाएगा अब इससे होगा क्या ठीक है इससे ये होगा कि जो कंज्यूमर केसेस हैं जो भी आप मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा आपको सही क्वालिटी नहीं मिली आपने कंज्यूमर केस किया तो जो सिमिलर केसेस होंगे ठीक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको क्लब करेगा उसको स्मूदन करेगा उस प्रोसेस को ओके सो इट्स अ पोर्टल फॉर कंज्यूमर कमीशन ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोवाइड अ सिंपल फास्ट एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंज्यूमर डिस्प्यूट ठीक है जी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा यह शुरू किया गया है ई e, जागृति जागृति मतलब जागो जागो ग्राहक जागो ठीक है वहां से आप याद रखना कंज्यूमर फेयर्स uh, मिनिस्ट्री के द्वारा है ठीक है जी ओके okay, एक और uh, प्रोग्राम शुरू किया गया था ये अभी का नहीं है ये 2020 में लॉन्च किया गया था 7 सितंबर 2020 को ई ई uh, so दाखिल दाखिल ठीक है सात से जो है इस ये आपका लॉन्च किया गया था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के द्वारा बेसिकली uh, इसमें क्या है जो नोटिस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिए जाएंगे जनरली जब भी आप कोर्ट को सुनते हैं तो आपके दिमाग में कोर्ट केसेस जाकर आता है कि जी कोर्ट जाना पड़ेगा केस फाइल होगा ठीक है आपको फिजिकली वहां पर जाना पड़ेगा एंड यू टेन टू अवॉइड दैट होल प्रोसेस ठीक है एज अ एज अ कॉमन सिटीजन हु इज नॉट अवेयर ऑफ द होल लीगल प्रोसेस एक आम बंदे से आप पूछेंगे तो वो नहीं जाना चाहता इस लीगल प्रोसेस में इसी प्रोसेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाया जाए ये आपका इसमें किया गया था जिसमें ई e नोटिस दिया जाएगा केस डॉक्यूमेंट डाउनलोड लिंक ठीक है ऑनलाइन हियरिंग होगी रिटर्न रिस्पॉन्स बाय ऑपोजिट पार्टी ठीक है फाइलिंग रिजॉइंडर बाय कंप्लेनेट एंड लर्ट्स बाय एसएमएस और ईमेल तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को कैसे ऑनलाइन लेके जाया जाए कंज्यूमर केसेस जो कि मेनली सिविल केसेस हैं उनको किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका निपटारा किया जाए अब ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट हमेशा ये आता है कि चार करोड़ से ज्यादा केसेस भारत की अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, ठीक है विच शोज के हम जो है जब भी हम अगर आप दुनिया में जब भी हम बिजनेस एनवायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो ड्रैग करता है जो नीचे खींचता है उसमें वो है यही लीगल हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के वो इतना कहीं ना कहीं सुस्त और थका हुआ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये कंज्यूमर डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका सीधा सीधा वायलेशन होता है और उसमें जब आप कोर्ट जाते हैं और उसमें केस जो है सालों साल चलता है दैट डिस्करेजेस लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम कमिंग टू इंडिया पेस पोर्टल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो वेरी गुड अभिषेक यस yes, बिल्कुल ठीक कहा चलिए आगे चलते हैं इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव फॉर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन देखिए डिजिटल ट्विन क्या है ठीक है ट्विन तो आप जानते ही हैं ट्विन क्या होता है ठीक है और डिजिटल ट्विन क्या होता है ठीक है यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की चीज है इसको ध्यान से सुनिएगा जो थोड़ा सो रहे हैं या अटेंशन कहीं और है तो थोड़ा सा ध्यान अब अगले तीन चार मिनट मेरे पे दीजिए संगम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन ने संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें कि बहुत सारे इनोवेटर्स एमएसएमई स्टार्टअप सब आएंगे अब समझते हैं कि ये है क्या ठीक है ए ड्रिवन इनसाइट देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें सिमुलेशन से देखो आप ऐसे समझो कि एक प्रोजेक्ट लो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है विंड एनर्जी का ठीक है तो विंड एनर्जी का मान लो प्रोजेक्ट है वो आपने फिजिकल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया विंड बाइन्स लगाई घूम रही हैं बिजली प्रोड्यूस हो रही है सब कुछ हो रहा है बट एग्जैक्टली exactly, आप उसको पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं स्टडी इन द सेंस डाटा लेना चाहते हैं कि कहां पर किस समय पर विंड जो है हवा जो है ज्यादा चल रही है किस समय पर प्रोडक्शन हो, ज्यादा हो रही है कब नहीं हो रही है क्या लॉसेस हैं इस पूरे सिस्टम को आप स्टडी करना चाहते हैं अब इससे होगा क्या इससे यह होगा मतलब अगर हम इसको पूरे सिस्टम को एक डिजिटल रूप पर स्टडी कर पाएंगे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सारे के सारे प्रोसेसेस को तो इससे हमारे उस प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी या कहें तो फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करेंगे उन प्रोजेक्ट्स को हम उस तरीके से प्लान कर सकते हैं इस पॉइंट को समझ रहे हो ऐसे समझ लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पूरे दिन की मतलब एक ऐसा एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जो समझ लीजिए आपको मॉनिटर कर रहा है ठीक है मॉनिटर कर रहा है और आपके पूरे एक हफ्ते की एक्टिविटी आपको बता रहा है कि आप इतना मोबाइल रील्स देख रहे हो इतना टाइम लेक्चर सुन रहे हो इतना टाइम पढ़ाई कर रहे हो इतना टाइम रनिंग कर रहे हो जो भी है ठीक है तो वो आपको एक एनालिसिस दे रहा है ठीक है ऐसा होता भी आजकल मोबाइल में आने लग गया है आपने देखा होगा कि एक हफ्ते के बाद दिखाता है कि इस वीक में आपने आपका स्क्रीन टाइम इतना था ठीक है अब आपका स्क्रीन टाइम कम हुआ है बड़ा है सो कैसे पता लगा तो वो मोबाइल uh, जो है आपका पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट कर रहा है ठीक है सो उस तरीके से अब ये ये सेम चीज हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए करेंगे इससे हम बेटर प्लानिंग कर पाएंगे जैसे आप आपको अगर मैं मान लो एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपको पूरा पता लग रहा है कि आपका एक हफ्ते में बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जो है 24 घंटे किस में कितना आपने टाइम वेस्ट uh, किया या कितना टाइम इन्वेस्ट किया पढ़ाई में ठीक है कहां कहां घूमने गए सारी चीजें जो आपको दे रहा है तो इससे आप बेटर प्लानिंग कर पाओगे अच्छा ये यहां मेरा टाइम खराब हो रहा है मेरे को यह कम करना है ठीक है समथिंग लाइक दैट ओके सो आइडिया हेर इज के एनर्जी आउटपुट टेम्परेचर वेदर कंडीशन मोर इस पूरे के पूरे डाटा को चेक करेगा अब ये सिमुलेशन से कैसे अलग है पहले भी ऐसा हो रहा था मतलब डाटा अब वो कह रहा है कि सिमुलेशन में क्या होता है कि ऑप्शनल वन टाइम डाटा एक्सचेंज है ठीक है बट इन द केस ऑफ डिजिटल ट्विन बेसिकली आप क्या कर रहे हो एक एक फिजिकल प्रोजेक्ट है उसका एक डिजिटल कॉपी बना रहे हो ऐसे समझ लो ठीक है जैसे आप न्यूज पेपर पढ़ते हो तो आजकल ई न्यूज पेपर आने लग गया प्रॉपर न्यूज पेपर का ही डिजिटल वर्जन आने लग गया प्रॉपर आपको वैसा ही लगेगा कि आप न्यूज पेपर ही पढ़ रहे हो तो कुछ वैसा ही मैं मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको कोरिलेट करने के लिए समझा रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझ सकें आइडिया है रेस कि, मतलब आ, पूरे के पूरे सिस्टम को कैसे समझा जाए इट्स अ वर्चुअल मॉडल डिजाइन टू a फिजिकल ऑब्जेक्ट फॉर example जैसे विंटर बाइन का एग्जांपल दिया सेंसर्स लगे होंगे ठीक है उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे एनर्जी आउटपुट सारी चीजें फिर वो एक प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा और इस तरीके से आप उसको स्टडी कर पाएंगे क्लियर है तो इस चीज को लेकर जो है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए डिजाइन किया गया है बहुत मतलब कह लीजिए आगे की बात है Uh, और आइडिया क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको कैसे यूज किया जाए एक एग्जांपल और लेता हूं जैसे आज ही आई वाज लिस्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर तो वाराणसी में उन्होंने कहा कि भाई आप नमो ऐप में जाएंगे आप अपनी फोटो क्लिक करो फोटो क्लिक करके जब आप उस पर अपलोड करोगे तो आपकी फोटो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई भी फोटो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी वो फिल्टर आउट करके आपको दे देगा मान लो किसी भी आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी वहां पे आपने फोटो खिंचवाई थी या ऐसी बहुत सारी फोटोज जो उस अपलोड हुई हैं उस ऐप पर तो उसमें आपको वो बता देगा वो आजकल आपकी मोबाइल ऐप में भी है ठीक है आपकी जितनी भी फोटोज हैं उनको सेग्रीगेट कर देता है आ, दिखाता है कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन की फोटोज हैं इसकी फोटोज हैं तो इसी तरीके से चीज करने की कोशिश है थ्री प्रिंटिंग जैसा थ्री प्रिंटिंग तो एक टेक्निक हो गई कि घर बनाने की ठीक है मशीन्स के थ्रू दैट इज मतलब दैट इज समथिंग डिफरेंट इसमें प्लानिंग वाला पार्ट है बेसिकली डिजिटल ट्विन है मतलब आप उसी चीज को एक लैपटॉप uh, या कंप्यूटर में एक सिस्टम में बना रहे हो और उसको स्टडी कर रहे हो ठीक है डिजिटल ट्विन आगे चलते हैं खजुराओ डांस फेस्टिवल कंप्लीट 50 इयर्स तो 50 साल पूरे हो गए हैं और गोल्डन जुबली हुई यहां पर खजुराओ डांस फेस्टिवल लगभग 1400 प्लस आर्टिस्ट ने उसमें पार्टिसिपेट किया फर्स्ट एडिशन शुरू हुआ था 1975 में ठीक है जी सो खुजुरा डांस फेस्टिवल सो खुजुरा डांस फेस्टिवल इन मध्य प्रदेश ओके थर्ड एडिशन ऑफ मिशन बसुंधरा वॉज लॉन्च ठीक है जी ये uh, अब आपके दिमाग में हो सकता है कि गलत लिखा है वसुंधरा है वसुंधरा है बेसिकली जब आप नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में जाते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाते हैं वेस्ट बंगाल ऑनवर्ड्स तो आप देखेंगे वहां पर व नहीं बोला जाता ब बोला जाता है विजय नहीं बोला जाता विजय बोला जाता है ठीक है तो दैट इज हाउ द नेम बसुंधरा ठीक है ओके सो okay. so, अब इसमें क्या है इस मिशन में जो भी लैंड जो है सरकार के पास आई वो

आजकल काफी फेमस चल रहे हैं काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो शुभमन गिल को पंजाब में जो है लोकसभा इलेक्शंस के लिए स्टेट आइकन चुना गया है मतलब लोगों को जानकारी देंगे अवेयर कराएंगे कि आप आइए इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कीजिए पंजाब जहां से तेरह लोकसभा की सीटें हैं तो वहां पर स्टेट आइकन होने जा रहे हैं शुभमन गिल इकोनॉमिक न्यूज में इंडिया की जीडीपी जो है ग्रो कर सकती है सिक्स ठीक है प्रोजेक्ट मॉर्गन स्टेनले अब देखो इस न्यूज में ये नहीं पूछेगा कि मॉर्गन स्टेनले ने कितना परसेंटेज कहा ठीक है विच इज हाईली अनलाइकली इंपॉर्टेंट ये है कि मॉर्गन स्टेनले क्या है मॉर्गन स्टेनले एक हाँ जी रेटिंग फर्म है बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है रिसर्च तो ये जो है पूरी दुनिया में बताता है कि अलग अलग कंट्रीज की ग्रोथ रेट क्या है कौन से अच्छे स्पॉट्स हैं कौन से ग्रो करने वाले स्पॉट्स हैं तो लगभग ये है आई एम एफ वर्ल्ड बैंक एस एन पी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक आरबीआई, इकराब कोटेक, बाकलेस, मॉर्कन स्टैंडले के इंडिया में इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी हो सकती है इस साल और अगले साल अब इससे आइडिया क्या है इससे आइडिया ये है कि सबने मतलब अब ये डाटा वेरी कर सकता है बट सबने सिक्स टू सेवन परसेंट हमारी ग्रोथ रेट आंकी है अगले साल के लिए सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया क्योंकि एक तरफ जापान है जर्मनी है जो नेगेटिव ग्रोथ रेट वहां पर देखने को मिल रही है जापान कमिट्स 232.2 बिलियन येन फॉर नाइन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया जो कि बनता है लगभग 1.55 बिलियन डॉलर्स। अगर आप इसको इंडियन रुपीस में देखेंगे तो लगभग लगभग तेरह हजार डॉलर ठीक है तेरह सॉरी तेरह हजार करोड़ रुपए ठीक है तेरह हजार करोड़ रुपए जो है रोड कनेक्टिविटी में क्लाइमेट चेंज में हॉर्टिकल्चर में हो सकता है आपके दिमाग में ये आइडिया आ रहा हो कि पिछले हफ्ते की न्यूज में हमने पढ़ा था कि जापान की ग्रोथ रेट नेगेटिव चल रही है दो क्वार्टर तक मतलब तो टेक्निकली जापान रिसेशन में है तो एक तरफ जापान रिसेशन में और एक तरफ जापान कह रहे है कि हम तेरह हजार करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे देखिए वहां पर रिसेशन का कारण क्या है कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है और सेचुरेशन वाले लेवल पे आ गई है अब इसीलिए वो क्या कर रहे हैं उनके पास जो सरप्लस पैसा है पहले का वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में लाइक नन अदर देन या कह लीजिए भारत से बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है और उससे दो चीजें साधी जाती हैं जापान जब इंडिया में इन्वेस्ट करता है एक तो ऑब्वियसली वो अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है इन्वेस्ट करता है दूसरा भारत के साथ रिलेशन अच्छे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाइना को काउंटर करना ठीक है तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जब एक फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली ग्रो करेगा तो वो जापान के इंटरेस्ट में है क्योंकि टू काउंटर चाइना सो दैट इज हाउ द आइडिया है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो जापान भारत को दे रहा है इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज कंट्री इन द वर्ल्ड अगेन अ वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज फॉर आर कंट्री इंडिया जो है जो डिजिटल पुश पिछले कुछ सालों में हमने भारत में देखा है उसका रिजल्ट अब आपको दिखने लग गया है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज कंट्री है यूएस और चाइना के बाद इवन यूके फ्रांस जापान जो बड़े देश हैं जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनसे भी हम आगे चल रहे हैं डिजिटलाइजेशन में ठीक है डेढ़ जीबी डाटा कम पड़े है पर डे का सब लोगों को लगने लग गया है कि अरे यार तो ये डिजिटलाइज्ड इंडिया है ऑन अ लाइटर नोट सो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन तो ये है आपका और ये पांच पिलर्स हैं कनेक्ट हार्नेस इनोवेट प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इसको चिप्स कहा गया इसका शॉर्ट फॉर्म क्या दिया गया है चिप्स ठीक है तो इस चिप्स में अगर आप देखेंगे भारत का स्कोर जो है तीसरे नंबर पर है खैर ओवरऑल अगर हम स्कोर चाइना और यूएस देखें ये अभी भी पीछे है उसका एक रीजन बहुत यह है कि हमारी अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है बहुत बड़ा वर्ग uh, ऐसा है जहां तक डिजिटल सर्विसेस नहीं पहुंची हैं, ठीक है ठीके? या पहुंची हैं तो थ्री जी हैं फोर जी हैं ठीक है तो, है, है, तो वो कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है बट यस ओवरऑल अगर हम बात करें वी आर डूइंग गुड डिफेंस न्यूज में दुर्गा टू आर ओन वेरी लेजर वेपन बींग डेवलप्ड बाई डी आर डी ओ देखिए पूरी दुनिया में ये लेजर वेपन्स का कंसेप्ट काफी ज्यादा चला है रिसेंटली द आइडिया हेयर इज के ये देखे ठीक है आइडिया हेयर किस तरीके से एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यूज किए जाएंगे टू डिस्ट्रॉय द टारगेट क्योंकि फ्यूचर जो वॉरफेयर है वो ड्रॉन्स के थ्रू ऑलरेडी हम देख रहे हैं मिजाइल थ्रेट है ठीक है और एयरक्राफ्ट है उनको किस तरीके से लेजर की मदद से माइक्रोवेव या पार्टिकल बींग्स की मदद से टारगेट मतलब आइडेंटिफाई करना के दिस इज द टारगेट और उसको वहां पर निस्नाबूत करना सच अ वेपन सिस्टम कैन प्रोटेक्ट वाइटल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम मिसाइल और एयर अटैक तो ये एनर्जी वेपन्स रिसेंटली यूएस चाइना ठीक है जितने भी बड़े देश हैं इवन पाकिस्तान तक जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं इस तरीके के एयर थ्रेट से और रिसेंटली ड्रोन का जो थ्रेट है वो काफी ज्यादा बड़ा है वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ ईरान रशिया पाकिस्तान ठीक है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फायर्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन वायु शक्ति एक्सरसाइज सो सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर ए शॉर्ट रिटेलिएशन सो दैट हैज वाज़ फायर्ड एट वायु शक्ति एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन जैसलमेर पहली बार ये जैसलमेर में फायर किया गया और ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डेवलप किया गया है मेंटेनेंस कमांड और इसकी स्पीड है टू 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 पॉइंट फाइव मैक ठीक है सो व्हाट इज मैक प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स और ये टू 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 पॉइंट फाइव मैक जो है किस में आएगा सब सोनिक में ट्रांसोनिक में सुपर सोनिक में या हाइपर सोनिक में कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक हाँ जी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स यस नेक्स्ट है मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज बिगन इन काठमांडू ठीक है जी सब uh, सोनिक है टू 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 पॉइंट फाइव मैक सब सोनिक होता है लेस देन वन मैक ट्रांसोनिक होता है वन मैक वन टू फाइव होता है सुपरसोनिक मोर देन फाइव होता है हाइपरसोनिक ओके सो शांति प्रयास फोर मल्टीनेशनल पीस की में uh, एक्सरसाइज है नेपाल आर्मी पेविलियन काठमांडू सो टोटल ऑफ इलेवन हंड्रेड सोल्जर्स फ्रॉम नाइनटीन कंट्रीज तो यहां पर आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड जी हाँ ठीक है सो so, <coughs> बिल्कुल ठीक सो बांग्लादेश फिजी घाना इंडोनेशिया मलेशिया ये इसमें अगर आप देखेंगे चाइना नहीं है और बाकी जो यूएस और उसके अलाइज हैं वो इसमें आते हैं इस एक्सरसाइज में सो मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज शांति प्रयास फोर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट काठमांडू में नेक्स्ट है विशाखापट्टनम टू होस्ट ट्वेल्थ एडिशन ऑफ मिलन नवल एक्सरसाइज मिलन जो एक्सरसाइज है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें पचास से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी उन्नीस से 27 फरवरी तक ये होगा इंडोनेशिया सिंगापुर श्रीलंका एंड थाईलैंड जो कि हमारे काइंड ऑफ नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किया बट अब इसमें 50 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है वेरी इंपॉर्टेंट स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ ये ओके नेक्स्ट है आपका तुर्की ने फिफ्थ जनरेशन ड्रोन फाइटर जेट जो है कंप्लीट फर्स्ट सॉरी फाइटर जेट नॉट ड्रोन नेशंस फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड फाइटर जेट जिसका नाम उन्होंने रखा है कान ठीक है कान वैसे याद रख लो फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन वॉरप्लेन जेट सो नाटो का मेंबर है नाटो में इकतीस मेंबर आते हैं तुर्की जिसके साथ भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं और जो कि सीधा सीधा पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है सो वेरी इंपॉर्टेंट कहते ना कि जो आपके एडवर्जरी नेशंस हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए सो लॉन्च इट्स टी एफ एक्स प्रोजेक्ट प्रोड्यूस एन नेशनल एयरक्राफ्ट इन 2016 तो यहां पर इन्होंने एक फाइटर जेट तैयार किया है फिफ्थ जनरेशन दैट इज कार ठीक है इसमें जो जनरल इलेक्ट्रिक के एफ हंड्रेड एंड को यूज कर रहा है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से तुर्की जो है वो भी बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है एक तरफ यूएस को भी साध रहा है एक तरफ रशिया को भी साध रहा है ठीक है नेक्स्ट है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टुक प्लेस एट होटल दिस इन म्यूनिक तो आइडिया हेयर इज अगेन जो भी प्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक इज इन जर्मनी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ठीक है तो मोटो क्या है पीस थ्रू डायलॉग ठीक है पीस थ्रू डायलॉग ये यूएस के उपराष्ट्रपति आप इसमें इसको देख सकते हैं अपना बात रख रही है स्पोर्ट्स न्यूज पे चलते हैं बाबर आजम जो है टू स्कोर इन तो सीधा सीधा विरा, विराट कोहली क्रिस गेल डेविड वार्नर ठीक है उनको भी जो है आगे निकल गए हैं दस हजार रन बनाने वाले सबसे फास्ट बल्लेबाज बन गए हैं तेरहवें ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने दस रन बनाए हैं इंडिया uh, ने जो है पहला एशिया बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है इसमें जो है पीवी सिंधु एंड सिक्सटीन ईयर ओल्ड अनमोल खारे ब्रिलियंस एज द डिफिटेड थाईलैंड थ्री टू इन हार्ट फाइनल इन मलेशिया पहली बार भारत ने इसमें गोल्ड जीता है कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट गायत्री गोपीचंद और जॉली uh, ट्रीजा ने भी डबल्स विन जीता है इन द फाइनल ठीक है तो ये आप देख सकते हैं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप यहां पर गोल्ड मेडल भारत ने जीता है नेक्स्ट है रविचंद्रन अश्विन जो है भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन, बन गए हैं। fastest Indian to reach 500 टेस्ट विकेट्स ठीक है जी एंड सेकंड फास्टेस्ट मैन 98 मैचेस टू गेट दिस 500 विकेट्स इससे पहले मुरलीधरन जो है 87 मैचेस में कंप्लीट किया था और इंडिया uh, में सबसे ज्यादा जो विकेट्स हैं वो कुले के पास हैं 619 विकेट्स इसी तरीके से अगर आर अश्विन खेलते रहे तो माइट बी दैट ही विल क्रॉस दस नंबर 800 विकेट्स इन 133 गेम्स ये मुरलीधरन का ऑल टाइम हाईएस्ट मूवी बनी है कि 800 करके ठीक है मैंने देखी नहीं है बट दैट्स अवेलेबल ऑन ऑनटिटी बट दैट इज ऑन मुरलीधरन जिसके 800 विकेट्स हैं ओके इंडिया कंक्लूड्स एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप यहां पर एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप तेहरान में हुई ठीक है जिसमें इंडिया ने तीन गोल्ड एक सिल्वर और दो नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़े इसमें ज्योतिराजी ने गोल्ड मेडल जीता 60 मीटर हर्डल 8.12 सेकंड्स उन्होंने अपना एक नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है ज्योतिराज याराजी एंड उसके अलावा तेजेंदर सिंह तूर ने जो है 19 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है गोल्ड जीता है 19.7 मीटर इन मेन शॉर्टपुट ठीक है पुट में और एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर हुई तेहरान में न्यूज एस राजीव जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है विजिलेंस कमिश्नर ठीक है जी इससे पहले वो एम डी थे महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अभी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं आपके पीके श्रीवास्तव एंड विजिलेंस कमिश्नर है अरविंद कुमार तो यहां पर एक और विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं एएस राजीव बहुत इंपॉर्टेंट और जो अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन 1964 में ये बना उसके बाद ये बना था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बना था बट 2003 में इसको

अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि वो दिगंबर जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जैनिज्म में जब हम बात करते हैं तो जैन धर्म में तो दिगंबर सेक्ट और श्वेतांबर सेक्ट ठीक है दिगंबर सेक्ट में आप देखेंगे तो कंप्लीटली नेकेड जो है उसमें यह कहा जाता है कि सिर्फ मेल्स ही जो है इलाइटनमेंट को अचीव कर सकते हैं इन्लाइटनमेंट को पा सकते हैं वुमेन हैज टू टेक बर्थ एज मेल ठीक है एज मेल्स इन द नेक्स्ट बर्थ ठीक है तभी उनको वो मिलेगा श्वेतांबर में ऐसा नहीं है श्वेतांबर में दे वियर वाइट क्लोथ्स ठीक है और उसके बाद जो है वो उसमें और क्या बात करते हैं उसमें ये कहते हैं कि इवन फीमेल्स कैन ऑल्सो अचीव द एनलाइटनमेंट ठीक है तो ये एक बेसिक फर्क है ठीक है ये आप देख सकते हैं सो इट इज मोर रिग्रस प्रोटेनिक मतलब काफी ज्यादा ये काफी रिग्रस माना जाता है जो देगाबर्स हैं श्वेतांबर्स Uh, more to the लेते हैं बहुत लोगों को लग रहा है कि सेशन वो हो गया है बट इंपॉर्टेंट है थोड़ा मसालेदार है चलिए शहबाज शरीफ टू तो बी द पाकिस्तान पी एम आसिफ अल अली राष्ट्रपति होने जा रहे हैं देखिए राष्ट्रपति अभी चुनाव हुए पाकिस्तान में पाकिस्तान में पहले तो ये समझ लो कि चुनाव मतलब कैसे सरकार बनती है वहां पर नेशनल असेंबली है नेशनल असेंबली में चुनाव होता है इफ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली सो दो के लगभग कुछ सीटें हैं वहां पर प्लीज क्रॉस चेक आइडिया समझ लीजिए कि वहां पर इलेक्शंस होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और जिसकी मेजोरिटी होती है वो सरकार बनाता है इसमें एक और उसमें इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल असेंबली है उसमें कुछ सीट्स रिजर्व रखी गई हैं ठीक है रिजर्व किसके लिए रखी गई हैं वहां पे महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं और वहां के माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व रखी गई हैं पर उसमें इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते हैं ठीक है उसमें क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं वही नॉमिनेट करके उन सीट्स को फिल करती हैं ठीक है और ओवरऑल जो मेजोरिटी लेता है उसके पास सरकार वो बना सकता है अब हुआ क्या है कि रिसेंटली जो इमरान खान है वो जेल में है उन पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उन पर लाइक तोशाखाना केस चला उसके बाद उनकी वाइफ के साथ जो उनका जो मैरिज हुई निकाह हुआ ठीक है उसको लेकर भी उन पर सजा हुई तो ओवरऑल उन पर लगभग तीस साल की हो रखी है ठीक है सेवेंटी ईयर्स ओल्ड है ही मोर देन सेवेंटी ईयर्स ओल्ड एंड उस पर तीस साल की हो रखी है द सिंपल रीजन इज ये कहा जाता है कि वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट जब बात करते हैं पाकिस्तानी दैट वहां की आर्मी की बात हो रही है कि आर्मी ही जो है उनको लेकर आई थी और अब क्योंकि वेन ही बिकेम दी एम आफ्टर सर्टन टाइम ही स्टार्टेड चैलेंजिंग द आर्मी इट ठीक है और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ने पांच साल पूरे नहीं किए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर एक राष्ट्रपति ने पांच साल पूरे किए थे पहले वो है आसिफ अली जरदारी एंड दैट इज आल्सो लाइक वेरी रिसेंटली 2007 2007-8 में 2007, uh, eight से लेकर 13 तक ठीक है आई एबल टू रिकॉल करेक्टली तो वो पहला टेन्योर पूरा हुआ है एज अ प्रेसिडेंट तो जस्ट इमेजिन के uh, अभी तक किसी ने भी पांच साल का टेन्योर पूरा नहीं किया पाक जैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर उन्नीस को बनकर तैयार था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था हम रिपब्लिक बन गए थे पाकिस्तान में जो संविधान है उसको लगे उन्नीस में जाकर बना है वो ठीक है सत्तावन अठावन में लगभग 10 साल के बाद आजादी के 10 साल के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना पाए ठीक है और जैसी कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद सरकार बनी दो साल दो साल के अंदर अंदर जो है वहां पर मिलिट्री रूल आ गया ठीक है फिर उसके बाद जो है सक्सेसिव मिलिट्री रूल रहे हैं ये पूरी की पूरी कहानी है अच्छा मजा आ रहा है चलिए है मजा आ रहा ठीक है तो अब क्या हुआ कि सरकारें चली ठीक है जो है आ, उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे 71 में 70 में इलेक्शन होते हैं इलेक्शन में ईस्ट बंगाल में पूरा सफाया कर देते हैं ठीक है जो बांग्लादेश के फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं शेख मुजीबर रहमान ठीक है फिर उनको सत्ता नहीं ट्रांसफर की जाती फिर वो अलग होते हैं फिर जुल्फिकार अली भुट्टो बनते हैं फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को आ, जो है फिर मार्शल लॉ आता है आर्मी आ, पावर में आती है उनको जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनको जेल में डाला जाता है फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है मतलब उनको फांसी मतलब पे चढ़ाया जाता है देन जो है फिर आ, Like, उस नेक्स्ट डे 80s में फिर आपका ये दौर शुरू हो जाता है बेनजीर भुट्टो एंड दूसरी तरफ नवाज शरीफ तो ये ये चलता रहा मतलब एक बार बेनजीर भुट्टो एक बार नवाज शरीफ ये हिप हॉप चलता रहा फिर फाइनली 1999 की वॉर होती है ठीक है परवेज मुशर्रफ उसके बाद लगभग 2001 में वो राष्ट्रपति बनते हैं 2007-8 तक वो राष्ट्रपति रहते हैं देन जो है फिर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ही कई बार बन गया वहां पर यह भी एक बड़ी विचित्र बात है फाइनली सरकार बनती है सरकार जो है अच्छा इससे पहले क्या था कि राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल थे अब यहां पर क्या हो गया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज जैसे भारत में है कि प्रेसिडेंट जो है एक जो है नामात्र की पावर्स है उनके पास एक्चुअल पावर्स नहीं है एक्चुअल पावर्स कौन एंजॉय करता है प्राइम मिनिस्टर तो वहां पर भी यह सिस्टम आया और उसके बाद जो है सरकार चली Uh, 2018 में सरकार बनती है इमरान खान पावर में आते हैं इमरान खान और आर्मी के बीच में क्लैश बढ़ता है उन पर केस चलते हैं उनकी सरकार गिरती है फिर शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं वो वहाँ की पी एम एल एन ठीक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो पार्टी है नवाज शरीफ की पार्टी है जो मेनली पंजाब बेस्ड पार्टी है देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कि पाकिस्तान में है 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 चार बड़े प्रोविंसेस एक है वहां का पंजाब प्रोविंस प्रोविंस जो सबसे बड़ा लगभग 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 12 करोड़ की की पॉपुलेशन 12 पॉपुलेशन आती है पंजाब की उसके बाद आता है आपका सिंध प्रोविंस बलूचिस्तान खैबर पख्तून और एक जो प्रोविंस है जिसको ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं विच इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ठीक है तो ये कुल मिला के यहां पर कहानी है इसमें सिलहेट डिस्ट्रिक्ट का क्या सिलहेट का सिलहेट का कोई लेना देना नहीं है सिलेट इज इन बांग्लादेश ठीक है सिलहेट इज इन बांग्लादेश ठीक है ओके तो ये पूरी की पूरी कहानी है ठीक है अब हुआ क्या है कि अब जो ये जो इलेक्शंस हुए इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी के जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़े ठीक है अब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं जो पाकिस्तान जो पीटीआई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वहां की पार्टी है उसके द्वारा बैग था और वो उ, उन्होंने एक मेजोरिटी जीती सीट्स बट किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली तो यहां पर जो सेकंड नंबर की पार्टी थी पीएमएल और तीसरी पार्टी थी पीपीपी ठीक है सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो लाइक जुल्फिकार अली भुट्टो के ग्रैंड जो है बेनज़ीर भुट्टो के बेटे तो वो वो तीसरे नंबर पे रही पार्टी जो सिंध बेस्ड पार्टी है दोनों कंबाइन करते हैं दोनों मिलकर अब सरकार बनाएंगे दोनों में एक पावर पैक्ट ये हुआ है कि जो राष्ट्रपति की कुर्सी है वो आसिफ अली जरदारी जो कि पीपीपी पार्टी है जो कि बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड हैं और उनको मिलेगी और जो प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ के छोटे ब्रदर शहबाज शरीफ वो बनेंगे इसमें एक और जो न्यूज है वो ये है कि पंजाब मतलब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है ठीक है सबसे बड़ा प्रोविंस है दैट इज पंजाब ठीक है पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब जिसमें लगभग बारह करोड़ की पॉपुलेशन है उसकी मुख्यमंत्री सीएम चीफ मिनिस्टर बनेंगी मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं और उन्हीं की पॉलिटिकल हायर या कह लीजिए जो उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी मानी जाती हैं, वो वो जो है अब यहां पर सीएम बनेंगी। तो ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है वहां की अब यहां पर सिंपल ये नहीं है अब ये है कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग सड़कों पर है क्योंकि उनका ये कहना है कि सीधा सीधा मतलब जो पीटीआई है जो इमरान खान की पार्टी है वो एक्चुअली में जीती थी यहां पर धांधलेबाजी हुई है रिगिंग हुई है ऐसा आरोप है ठीक है जिसको कि वहां की सरकार डिनाई कर रही है तो ये कुल मिला चल रहा है और इस बात को लेकर पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए एक्सेप्ट वन नेशन जिसने कहा है कि बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं और हम इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं वो है चाइना अब चाइना का अब चाइना क्यों ऐसा कह रहा है चाइना का इसलिए कह रहा है क्योंकि जब पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो चाइना का जो जब हम ये आ, आ, प्रोजेक्ट है ठीक है सिल्क कॉरिडोर की हम बात करते हैं वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जिसको ये लोग बोलते हैं अब ये सीपैक में इन्वेस्टमेंट जो है कहा गया कि लगभग 50 बिलियन डॉलर ऑलरेडी चाइना कर चुका है बट और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जिसमें कि बहुत ज्यादा डिलेज आ रहे थे जिसकी वजह से चाइना को नुकसान हो रहा था अब आप रिसेंटली ये भी देख रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी काफी नीचे आ गई है काफी डाउन आ गई है अगर आप देखें कि आज से 10 साल पहले चाइना की इकोनॉमी हम 10 परसेंट बारह परसेंट तक ग्रो करी है ठीक है विच इज फिनॉमिनल अगर हम नंबर्स के अकॉर्डिंगली देखें तो अब वो इकोनॉमी जो है पांच परसेंट के लगभग ग्रो कर रही है और ऑलरेडी चाइना की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर चुकी है करना शुरू हो चुकी है अब इन सारी चीजों को देखते हुए चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान में कर रखी है और जिससे कि वो वेस्ट एशिया से सीधा कनेक्ट होंगे और जो वेस्टर्न चाइना है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा वेस्ट एशिया से और सेंट्रल एशिया से वो किसी खटाई में पड़े ठीक है तो वहां पर वो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो उनकी बात में बिल्कुल जैसे जैसे वो कहते जाए वैसे वैसे वो होता जाए तो ये एक यहां पर जियो भी चल रही है पाकिस्तान जो कि आप इसको एक इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ चाइना कह सकते हैं प्रेजेंट टर्म्स में वो वहां पर है क्योंकि लिटरली वो इतना कर्जा ले चुके हैं चाइना से कि दैट इज अ बैंक्रप्ट कंट्री विच इज जस्ट फ्लोटिंग ठीक है फ्लोट कर रहा है जिस दिन चाइना ने खींच खींचले हाथ दैट विल फॉल डाउन ठीक है हा ठीक है जी एरिया so मतलब मैंने पूरा आपको सारा कंटेक्स्ट बता दिया है और इसके पीछे कहानी भी काफी बता दी है क्या क्या हुआ है अभी तक ब्रॉडली मतलब एक ओवरऑल पिक्चर दे दी है चलिए आगे चलते हैं ठीक है खासी फ्रीडम फाइटर यू तिरौद सिंह स्टेच्यू अनविल किया गया है ढाका में देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इंटरेस्टिंग क्यों है क्योंकि हम हमारी जो हिस्ट्री अगेन ये काफी बार चर्चा हो चुकी है कि हमारी हिस्ट्री की जो बुक्स हैं कई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा दिल्ली सेंट्रिक है दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में कौन कौन से रूलर्स थे अहोम जो कि 600 साल रूल किया उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता या एक बस एक पैरा आपको मिलता है हिस्ट्री बुक्स में या दो तीन लाइनें मिलती हैं साउथ के जो बड़े बड़े एम्पायर हैं चोल एम्पायर है वैसा ही एक फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम है यू तिरोत सिंह फ्रीडम फाइटर हैं खासी हिल्स गारो खासी जयंतिया है ना खासी हिल्स जो जिसमें आपको चीरा पूंजी मोजिन राम जो वेटेस्ट प्लेसेज ऑन द अर्थ है वो मिलते हैं वहां पर जब ब्रिटिशर्स पहुंचने की कोशिश करते हैं एक कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं फ्रॉम बंगाल टू द असम वाला रीजन तो यहां पर जो है यू तिरोत सिंह खड़े होते हैं इनको हीरो ऑफ द खासी हिल्स कहा जाता है ठीक है सिग्निफिकेंस क्या है इन्होंने उस समय पर जो ब्रिटिश सरकार थी उन पर एक अटैक किया ठीक है चार साल तक ये कह लीजिए लड़ाई चलती रही चार साल बाद जाकर जो है उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा पकड़ा गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है गुवाहाटी टू सिलहेट जो है कनेक्ट करना चाहते थे संबड़ी बजाज सिलहेट तो यहां पर आइडिया वॉज के जब उनको समझ आया कि गुवाहाटी टू सिलहेट कनेक्ट कर रहे हैं तो सीधा सीधा ये जो मेघालय है जो गारो खासी जयंतिया है स्पेशली खासी हिल्स है इसको ब्रिटिशर्स कैप्चर करना चाहते हैं तो वो जो है वहां पर विद्रोह किया उस समय पर जो माइटी ब्रिटिश एम्पायर था उस उसके सामने जो है सिंह खड़े होते हैं एंड uh, इसको एंग्लो खासी वॉर कहा जाता है ठीक है पॉलिटिकल प्रिजनर ऑन जुलाई 17, 1835। सो एंग्लो खासी वॉर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन भी रिसेंटली अगर आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम्स में वो करंट अफेयर बेस्ड हैं तो आप हिस्ट्री करंट अफेयर बेस्ड कैसे अगेन इसी तरीके की न्यूज जो पुराने चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के जो हमने भुला दिए हैं नहीं है हिस्ट्री की बुक्स में उनको जब अब रिक्नाइज किया जा रहा है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जी आ, मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेता हूं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं एक मिनट लूंगा रिसेंटली लाइक ऑन द लास्ट संडे आई वेंट टू वर्ल्ड बुक फेयर इन डेली मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपसे शेयर की थी टेलीग्राम चैनल पे तो उसमें जो है अगर आप देखेंगे आई वॉज इन दैट मतलब अलग अलग पब्लिशर्स का वहां पर स्टॉल्स थी तो एक स्टॉल जो नेशनल बुक ट्रस्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है तो उसमें जब मैं गया तो एक सेक्शन में मैंने बुक्स देखी जिसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स पर बुक्स लिखी गई हैं छोटे छोटे बुक्स हैं मतलब ऐसे फ्रीडम फाइटर्स या ऐसे लोग जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में अलग अलग मतलब फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में जिनका योगदान रहा है अपना योगदान रहा है उनके बारे में अब बुक्स छपने लगी हैं उनके उनका योगदान क्या है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल में यही कहा गया कि कुछ ही लोग हैं जिन्होंने आजादी दिलाई जो कि मतलब ठीक है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को आ, कम नहीं आका जा रहा बट बहुत सारे और अनसंग हीरोज थे उनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए तो वो बुक्स जो हैं अब रिसेंटली छपने लगी हैं ठीक है सो इज दैट ओनली तो ये आपका यूपीएससी क्योंकि फोकस है गवर्नमेंट का आ, सबका तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट है द बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री रिटन बाय नॉरिस प्रीतम ठीक है ये बुक लिखी गई है नीरज चोपड़ा जिन्होंने पहले भारतीय बने एथलेटिक्स में ठीक है एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता सेकंड इंडियन इंडिविजुअल इंडियन आफ्टर अभिनव बिंद्रा टू विन द गोल्ड मेडल जैसे कि पाइका रेबिलियन हाँ बिल्कुल बिल्कुल अवार्ड एंड ऑनर्स में गुलजार संस्कृत स्कॉलर रामभद्राचार्य इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो गुलजार जिनका एक्चुअल नाम है एक्चुअल नाम है संपूर्ण सिंह कालड़ा ठीक है संपूर्ण सिंह कालड़ा उन, मतलब पेन नेम है उनका गुलजार ठीक है तो ये है तो इन ये चौवालीस में स्टैब्लिश किया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड ये इंडियन लिटरेचर जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर उनको दिया जाता है इसमें 21 लाख की प्राइस बनी है स्टेच्यू ऑफ वाग देवी एंड अ साइटेशन ठीक है तो गुलजारी सेलिब्रेटेड फॉर हिज वर्क्स इन हिंदी सिनेमा एंड उर्दू पोइट्री दादा साहब फालके अवार्ड दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द दादा साहब फालके अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है दिस इज डिफरेंट दादा साहब फालके फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो है मुंबई में हुए इसमें ये जो है एक्टर एंड फीमेल एक्टर मेल एक्टर्स फीमेल एक्टर्स जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं ठीक है जी सो एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान रानी मुखर्जी ठीक है ये हैं। okay, है शशि थरूर को जो है अवार्ड दिया गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ठीक है ऑथर एंड डिप्लोमेट पॉलिटिशियन शशि थरूर कांग्रेस के सीनियर पॉलिटिशियन है फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर शेविलियर डी ला लीजेंड ऑनर ये अवार्ड दिया गया है ठीक है एरा ऑफ डार्कनेस पैक्स इंडिका बहुत फेमस इनकी बुक्स हैं ठीक है द ग्रेट इंडियन नॉवल शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है और इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है ओके okay, सो so ये स्टेब्लिश किया गया था अठारह में बाय नेपोलियन बायपोलियन बोनापाटे हाइएस्ट फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री नेक्स्ट है इंदिरा गांधी एंड नरगिदत्स नेम देखिए जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उसमें जो नाम है इनको हटा दिया गया है आ, इसका कैश प्राइज किसका कैश प्राइज इस दादा साहब फालके अवार्ड जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं ओके सो तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड हैं ये इसमें आपका इसको रीनेम किया गया बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप समझ सकते हैं ठीक है सो तो यहां पर जो इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म था इसको रीनेम करके सिंपली कर दिया गया है बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर ठीक है तो इसमें जो इंदिरा गांधी जी का नाम है हटा दिया गया है नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन जो है इसको भी रीनेम कर दिया गया है बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज फर्दर मर्जिंग द कैटेगरीज देखिए अगर आपको ध्यान हो जो नेशनल फिल्म अवार्ड हैं नेशनल फिल्म अवार्ड में एक अवार्ड होता था नेशनल uh, इंटीग्रेशन पर एक होता था इन्वायरमेंटल फिल्म पे भी मतलब लाइक कौन सी बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म है तो उसमें जो है अब ये कैटेगरीज को मर्ज कर दिया गया है तो एक अवार्ड बना दिया गया है सो दैट इज बेस्ट फीचर फिल्म क्योंकि अब ये सरकार देती है तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल तो तीन तीन अलग अलग अवार्ड से तीनों को मर्ज करके एक अवार्ड कर दिया गया है ठीक है और नर्गिस दत्त जी का नाम हटा दिया गया है ठीक है तो इसमें जो जो डायरेक्टर डेब्यू डायरेक्टर वाला अवार्ड था उसमें स्वर्ण कमल और तीन लाख रुपए का प्राइज था और दूसरे में जो है रजत कमल और दो लाख का प्राइस था वो दिया गया है साइंस एंड टेक में देखिए चैट जीपीटी देख रहे हैं आजकल आप फिर उसके बाद जेमिनी आ गया है गूगल का अब भारत का भी जीपीटी आ रहा है ठीक है और भारत जीपीटी ग्रुप बैग्ड बाय मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट चैट जीपीटी स्टाइल सर्विस और इसका नाम क्या रखा गया नाम पे ध्यान दीजिएगा हनुमान ठीक है सो वेरी इंपॉर्टेंट सो मॉडल हैज डब्ड एज हनुमान मॉडलुमानीप्रेजेंट इंडिया टू डेवलप पोटेंशियमेटिव ए आई टेक्नोलॉजी तो अभी तक आप चैट जीपीटी जेमिनी की बात कर रहे थे अब जो है बात हो गई है किसकी भारत जीपीटी जिसका नाम होगा हनुमान अच्छा इसमें जेमिनी के बारे में एक और बात बता दूं जो गूगल का है जेमिनी इसको लेकर भी काफी विवाद शुरू हो गए हैं क्योंकि जेमिनी मतलब जो यूएस uh, की पॉलिटिक्स में विवेक रामास्वामी आई होप आपने ये नाम सुना होगा uh, मतलब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे खैर उन्होंने अब अपना प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन वापस ले लिया है uh, वहां की जो रिपब्लिकन पार्टी है जो ट्रंप uh, जिससे बिलोंग करते हैं uh, उस पार्टी से हैं अब उनको कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो वाइस प्रेजिडेंट के कैंडिडेट हैं ठीक है, है वाइस प्रेजिडेंट के रूप में कहीं ना कहीं उनको देखा जा रहा है बट एनी उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जेमिनी जो है ये इन्होंने जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया है और इनके बहुत सारे आंसर जो हैं वो रेशिस्ट हैं मतलब जब आप कुछ चीजें इनसे पूछते हैं तो जो जेमिनी आंसर देता है जो गूगल का है तो ये गूगल बाड था जो पहले अब जेमिनी हो चुका है वो रेशिस्ट आंसर्स देता है तो उसको लेकर काफी ज्यादा उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है ठीक है जी चलिए ये तो पक्का आएगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आ, दुनिया का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च सून ठीक है दुनिया का सबसे छोटा वुडन सैटेलाइट नासा एंड जाक्सा जो है मिलकर दुनिया का पहला आ, और ये छोटा बिल्कुल जो है कॉफी मग जितना है ठीक है क्योटो यूनिवर्सिटी कलेबरेशन विथ सुमितोमो फॉरेस्ट्री लिग्नोसैट प्रोब ठीक है इज अप्रॉक्सिमेटली द साइज ऑफ अ कॉफी मग सो so, ये छह महीने तक स्पेस में रहेगा और वहां पर स्टडी करेगा ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है इंडिया का पहला स्पाइस सैटेलाइट बाय डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर सेट फॉर लॉन्च बहुत इंपॉर्टेंट अगेन और ये आर्म्ड फोर्सेस को इंफॉर्मेशन देगा डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन देगा ये बनाया गया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा बीइंग सेंट टू फ्लोरिडा फॉर इट्स लॉन्च अच्छा टाटा से एक और न्यूज मेरे को याद आ गई जो शायद आई फॉरगेट टू इंक्लूड दैट इज टाटा ग्रुप की टोटल वैल्यूएशन जो है पाकिस्तान की इकॉनमी से ज्यादा हो गई है मतलब कि भाई साहब जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था दैट और अगर तो इसका मतलब इसका सिंपल मतलब पूरे टाटा ग्रुप को आप बेच दें ठीक है तो उससे जो पैसा आएगा उससे आप पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं ठीक है पूरा का पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं लिटरली इसका मतलब आप उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं सर सैटेलाइट दैट हैज बीन बिल्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स इज बीइंग सेंट टू फ्लोरिडा फॉर इट्स लॉन्च द ग्रुप कंट्रोल सेंटर ये जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है ठीक है चलिए अमेरिकाजिस स्पेसक्राफ्ट मेक्स फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडिंग इन हिस्ट्री तो यहां पर लगभग पचास साल बाद जो है अमेरिका का एक स्पेस क्राफ्ट वहां पर लॉन्च होने जा रहा है ठीक है सो इसका नाम रखा गया है यूएस सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून फर्स्ट अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट ठीक है पचास साल के बाद वहां पर पहुंचेगा इंट्यूटिव मशीन जो एक कमर्शियल वेंचर है उनके द्वारा यह बनाया गया है नोवा सी लैंडर फर्स्ट प्राइवेट वेंचर है यह इंपॉर्टेंट है प्राइवेट वेंचर है ठीक है प्राइवेट वेंचर है फर्स्ट अमेरिकन सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनियर सर्फेस सिंस द अपोलो एरा इन नाइनटीन सेवेंटी टू स्पाई सैटेलाइट बाय प्राइवेट प्लेयर हाँ मतलब अभी चलो एक मेरे को और न्यूज याद आ गई बहुत सारी न्यूज है जो ठीक है मिस हो जाती हैं स्पेस सेक्टर से एक और आज की ही न्यूज है आज की न्यूज में वो था कि स्पेस सेक्टर में भारत ने 100% परसेंट एफडीआई अलाउ कर दिया है ठीक है 100% परसेंट एफ अलाउ कर दिया है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि स्पाई सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा तो उसमें ऑब्वियसली आप इंश्योर करेंगे कि वो इंडियन प्लेयर हो और वो इंफॉर्मेशन सीधा मतलब किसी भी तरीके से आ, मतलब वो ना हो ठीक है डेवल्ज ना हो और आ, सरकार तक ही पहुंचे ठीक है जी ओके नेक्स्ट है जापान सक्सेसफुली लॉन्चेस एच थ्री रॉकेट आफ्टर बैक टू बैक फेलियर्स तो यहां पर जापान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट इन टू द ऑर्बिट रिसेंटली अगर आपको याद हो जापान ने अपना uh, जो है लैंडर पहुंचाया है मून पे पर वो लैंडर पहुंचा तो वहां पे पलट गया ठीक है बट सक्सेसफुली पहुंचा दिया उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया ठीक है इंडिया के बाद तो जापान भी रिसेंटली स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है इट टू फंक्शनिंग माइक्रो सैटेलाइट रॉकेट इज ऑलरेडी फेल्ड इन इट्स प्रीवियस टू अटेम्प्ट और ये माइक्रो सैटेलाइट को असिस्ट करेगा डिजास्टर प्रिवेंशन एफर्ट्स और मॉनिटर द ऑपरेशन कंडीशंस ऑफ फैक्ट्रीज अगर आप रिसेंटली जापान को देखेंगे ना जापान ने डिफेंस में स्पेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है ठीक है वो एक सिग्नल भी है जो जापान आज तक यूएस ने काफी कंट्रोल करके रखा हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मार्शल प्लान के बाद अब जापान को कह लीजिए थोड़ा फ्रीडम मिलनी शुरू हो गई है और जापान ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दिया द रीजन इज चाइना ठीक है ठीक है द वेरी क्लियर रीजन इज चाइना ओके इंपॉर्टेंट डेट्स इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मातृभाषा दिवस जो है हर साल 21 फरवरी को बनाया जाता है ठीक है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी मल्टीलिंग को बताता है यूनेस्को uh, के है द्लाज अप्रूवटीन इन नाइन यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस देखो बांग्लादेश का तो जन्म ही मातृभाषा के आधार पर हुआ मतलब सबसे बड़ा मुद्दा ही भाषा था कि आप उर्दू कैसे इंपोज कर सकते हैं ठीक है और इंटरेस्टिंग ये कहा जाता है कि जिस तकरीर में मोहम्मद अली जिन्ना ये कह रहे थे कि हाँ आप, आपकी मदर टंग मतलब आपकी भाषा जो है उर्दू होगी ये बा, बात जो है उन्होंने अंग्रेजी में कही मतलब वहां पर जो भाषण दे रहे थे तकरीर दे रहे थे वो अंग्रेजी में थे और कहा कि उर्दू सो एक देश जो है भाषा के आधार पर बना है तो ये इनिशिएटिव बांग्लादेश के द्वारा ही लिया गया था 1999 में तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग ठीक है तो ये इसका थीम है नेक्स्ट है मनाया uh, uh, जाता है क्योंकि इसी दिन जो है नाइनटीन uh, एटी में इसको स्टेटहुड मिला था तो नाइनटीन में अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और गोवा

द्वारा यह शुरू किया गया था कैंपेन वॉज रेज टू द स्टेटस कंप्लीट स्टेट डे टू ट्वेंटी जस्टिस 2024 फेब uh, 20 सो इट इज अ डे द यूनिफाइड नेशंस टू प्रमोट अटेम्प टूवर्ड्स अकंप्लिशिंग सिविल राइट्स फॉर ऑल ब्रिजिंग गैप्स एंड बिल्डिंग अलायसेज सोशल डेवलपमेंट में उसमें ये डिसाइड किया गया 1995 में कि हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय मतलब सब बराबर हैं ठीक है राइट टू इक्वेलिटी बेसिकली अगर हम सिंपल शब्दों में इसमें इसको कहें तो ठीक है जी तो ये था आज का सेशन बहुत बहुत धन्यवाद सेशन थोड़ा सा खिंच गया है बट आइडिया हेयर इज के हमने पूरे एक हफ्ते की बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो कवर कर ली है मैंने आपको काफी न्यूज जो है काफी डिटेल में बताई जो भी जो फैक्चुअल थी वो हमने सिंपली फैक्ट्स के रूप में डिस्कस किया सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच इफ यू लाइक द सेशन प्लीज टू शेयर ताकि बाकी बच्चे भी देख सके यहां पर हम वो हल्ला गुल्ला कम करते हैं आइडिया रहता है कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज है पूरे हफ्ते की उसको हम जरूर यहां पर शेयर कर लें जो पोटेंशियली आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल भी आपको दुनिया भर में देश में क्या चल रहा है उसके बारे में एक अच्छी जानकारी मिल जाए सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच इसी तरीके से अगले फ्राइडे को मिलेंगे एट नाइन पी ओनली फॉर द वीकली करंट अफेयर्स आई एम होपिंग दैट दीज वीकली हेल्पिंग यू

क्या स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए आपकी अगले 50 दिनों के लिए सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन सीडीएस उसको भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कल के सेशन में आ, टाइमिंग जो है या लिंक जो है वो मैं शेयर कर लूंगा आपका टेलीग्राम के चैनल पे थैंक यू सो मच टेक केयर जय हिंद बंदे मातरा एंड यस वन थिंग मोर एक हमने और इनिशिएटिव लिया है जो भी मेरे साथ लाइव है प्लीज इसको भी ध्यान से सुन लीजिए एक हमने इनिशिएटिव और लिया है एक हमने टेलीग्राम पे चैनल बनाया है टीम निष्ठा डिफेंस क्विज करके ठीक है आप सर्च करिए टीम डिफेंस क्विज तो उसमें हम रोज जो है करंट अफेयर से रिलेटेड तीन चार पांच क्वेश्चन जो है अपलोड करते रहेंगे कुछ क्वेश्चन हम ऐप पे अपलोड करते हैं एक्चुअली टेलीग्राम में दिक्कत क्या होती है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो अपलोड नहीं हो सकते वो बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उसमें वर्ड लिमिट है तो जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो तो इजीली अपलोड हो जाते हैं तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम बनाते हैं डेली बेसिस पे वो हम ऐप पे अपलोड करते रहेंगे बट कुछ क्वेश्चन जो है वो हम टेलीग्राम के जो हमारा चैनल हमने बनाया है डिफेंस से रिलेटेड वो क्वेश्चन हम वहां पर अपलोड करते रहेंगे ठीक है जी सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच